हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर ISPCS चैनल। और आज हम देखेंगे 23 अगस्त के करंट इशू एनालिसिस के बारे में। तो ये है मेरी प्रोफाइल, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के करंट इशू एनालिसिस को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हंगुल के बारे में। आज बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा जो वीडियो होगी वो थोड़ा लंबी होगी, तो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हंगुल के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। आप सभी को पता है हंगुल को कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। ये जो हंगुल है ये जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए जो हंगुल देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक एनिमल है। और अब क्या है, खुशखबरी की बात हमारे लिए है कि रिसेंट टाइम्स में क्या है कि इसकी जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है हमें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इट इज़ नॉन टू बी द एग्जिस्टिंग ओनली इन कश्मीर, ठीक है, तो ये सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है। ये हमारा हंगुल कश्मीरी स्टैग के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। नाउ इसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखिए जो इसका जो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द डेसिकम नेशनल पार्क। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेसिकम नेशनल पार्क है, इसके अंदर मतलब सिर्फ इसके अंदर ही ये पाया जाता है हमारा जो हंगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग कह रहे हैं। इट इज़ लोकेटेड सम 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर समर कैपिटल, ठीक है, श्रीनगर से थोड़ा ऊपर है जो ये डेसिकम नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखिए इसका IUCN स्टेटस की बात करते हैं। तो ये IUCN स्टेटस इसका है क्रिटिकली इंडेंजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, तो इसके जो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके शेड्यूल 1 के अंदर ये आता है। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं जिनको कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे डेसिकम नेशनल पार्क की मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लोकेशन बता देता हूँ। देखिए ये है जम्मू कश्मीर का मैप, ये है काराकोरम रेंज, यहाँ पे आपके सामने है काराकोरम रेंज, इसके बाद लद्दाख रेंज, जैस्कर रेंज, और ये नीचे ग्रेट हिमालयज हो गए। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, यहाँ पे पाओगे कि जो यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर से थोड़ा 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप जाओगे, देन यू विल सी डेसिकम नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखेंगे आप डेसिकम नेशनल पार्क है। इसके अलावा मैं अगर आपको और चीज़ें बताऊँ तो हेमिश नेशनल पार्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि लद्दाख में है। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा आपको, और ये काजिंग नेशनल पार्क मिलेगा आपको। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नाउ यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले डेड फॉर नेचर स्वेप डील की बात करते हैं। ये देखिए आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ब्लू बोन और डेड फॉर नेचर स्वैप की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। देखिए गैवन एक कंट्री है, अभी मैं इसकी लोकेशन भी आपको बताऊंगा। इसने $500 मिलियन का जो डेड फॉर नेचर स्वैप है, नेचर स्वैप डील है, इसको अनाउंस किया है। किसके लिए, मरीन कंजर्वेशन के लिए। अब डेड फॉर नेचर स्वैप क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री होती है या लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती हैं, वो जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और अदर जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, उनसे क्या कर उनसे लोन लेती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो लोन होता है उसको पे ऑफ करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनके लिए एक डील रखी जाती है, डेट इज़ डेट फॉर नेचर स्वैप। अब डेट फॉर नेचर स्वैप में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक, एक मिनट, यहाँ पे है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, ये है गैबन यानी कि जो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पे रखते हैं USA को, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना एक ड्यूटी है इंटायर वर्ल्ड की, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री की। अब डेवलप्ड कंट्री को ये कहा जाता है कि आप कंजर्वेशन एफर्ट को और बढ़ाइए अपना, ताकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इमिशन हो रहा है उसको कम किया जाए। नाउ अब क्या करिए, जो गैबन कंट्रीज ये वर्ल्ड बैंक का लोन तो चुका नहीं पा रही है, तो अब USA भी क्या है, ऑब्लिगेशन है कि वो कंजर्वेशन को क्या करें, कंजर्वेशन एफर्ट को इंक्रीज करें। तो USA अपने खुद से कंजर्वेशन एफर्ट नहीं करेगा, ये क्या बोलेगा गैबन को, देख भाई आप ऐसा करो कि जो आपका जो ये लोन है ना, उस लोन का जो कुछ हिस्सा मैं पे कर लूँगा वर्ल्ड बैंक को, मैं वर्ल्ड बैंक को क्या कर लूँगा, पे कर लूँगा। बस शर्त ये है कि गैबन को क्या करने पड़ेंगे, अपनी कंट्री में कुछ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये डील हुई है ना, इसी को ही बोलते हैं
इसी को ही बोलते हैं डेट फॉर नेचर स्वैप डील। अब बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो भी चुका दिया किसने, यूएसए ने, और गैबन ने उसके एवज में क्या कर दिया, जो कंजर्वेशन एफर्ट को अपने कंट्री में लगा लिया। तो इस तरीके से यूएसए का ऑब्लिगेशन भी क्या हो गया, पूरा हो गया, और गैबन का जो लोन पेमेंट का जो ऑब्लिगेशन था वो यूएसए ने पूरा कर दिया। तो ये होती है स्वैप डीलिंग। स्वैप मतलब आप मेरा ये काम करो, मैं आपका ये काम कर दूंगा, डेट इज़ द स्वैप डीलिंग। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझा दी होंगी। नाउ यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं गैबन की थोड़ा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये है गैबन की लोकेशन, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा साउथ वेस्ट की तरफ, या मैं वेस्ट की तरफ बोलूँ इसको, साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ बोलूँगा इसको। तो यहाँ पे ये गैबन है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी है, कैमरून इसके आसपास है, ठीक है। इधर देखेंगे आप रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, तो ये गैबन है, समझ रहे हैं। अब ये देखना है आपके कि जो ये गैबन कंट्री है ये अटलांटिक ओशन से मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए लैंड लॉक कंट्री, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और गैबन ने क्या करा है, देखिए गैबन ने कौन सा कंजर्वेशन एफर्ट को किया है, मरीन कंजर्वेशन की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मरीन कंजर्वेशन एफर्ट करेंगे नेचर फॉर स्वैप डील में। नाउ यहाँ पे ब्लू बॉन्ड की बात करता हूँ। देखिए ब्लू बॉन्ड की बात क्या करते हैं, देखिए ब्लू बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डेट आर डिजाइन टू सपोर्ट सस्टेनेबल मैरीन एंड फिशरी प्रोजेक्ट। इसको और अच्छे से समझते हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन ये दी है कि ये देखिए जो ये ब्लू बॉन्ड है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है किसी से आप उधारी ले रहे हो, चाहे वो लोन के जरिए ले रहे हो, या अपनी इक्विटीज़ को बेच के ले रहे हो, या किसी भी अलग तरीके से आप ले रहे हो। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है किसके द्वारा, जो गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट बैंक है, या अदर कोई भी कंट्री है, किस चीज़ के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट हमेशा किस चीज़ के लिए होते हैं, कैपिटल को रेज करने के लिए फ्रॉम इम्पैक्ट इन्वेस्टर, ठीक है। तो इन इन्वेस्टर से क्या लिया जाएगा, कैपिटल लिया जाएगा, ठीक है। किस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए, मरीन एंड ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट डेट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट बेनिफिट। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर हैं, ठीक है, कुछ इन्वेस्टर हैं, और ये इन्वेस्टर क्या करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी बैंक है, वो उसको क्या देंगे, कैपिटल देंगे। और ये जो कैपिटल यूज होगी वो किस चीज़ के लिए यूज होगी, कंजर्वेशन एफर्ट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल एंड क्लाइमेट बेनिफिट हो सके जिस चीज़ से। तो अब आप बात समझ गए कि ब्लू बॉन्ड किसके लिए होते हैं। ब्लू बॉन्ड मतलब ओशन से रिलेटेड फाइनेंस के लिए, मरीन एंड ओशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं उस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए जो भी कैपिटल रेज की जाती है गवर्नमेंट या अदर कंट्रीज़ के द्वारा, उसको कहा जाता है ब्लू बॉन्ड, ठीक है। उसी तरीके से ब्लू बॉन्ड के साथ ही ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड है वो बॉन्ड होता है जो कि कंजर्वेशन एफर्ट, जैसे कि प्लांटिंग, जो जैसे यहाँ पे मरीन के लिए था, तो वहाँ पे क्या होगा, लैंड पे जो भी हम इन्वायरमेंट एफर्ट्स कर रहे हैं उस चीज़ के लिए वो क्या हो जाएगा, ग्रीन बॉन्ड हो जाएगा। तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, ब्लू बॉन्ड समझ गए होंगे, ग्रीन बॉन्ड समझ गए होंगे, और डेट फॉर नेचर स्वैप डील आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे पीआईबी से एक सोर्स है, सॉरी पीआईबी एक सोर्स है, आप सभी को पता ही है। तो पीआईबी में जो न्यूज़ थी वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थे, डेफिनेशन थी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड को सेट किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हम किसको कहेंगे, अंडर द मिशन ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी है कुल मिला के कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहा जाएगा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से आपको समझा देता हूँ। क्या होगा ना, जैसे कि आप वेल टू गेट इमिशन, वेल टू गेट इमिशन का मतलब है कि अगर आप जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी इंटायर प्रोसेस में, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, अंत तक लाने में जो भी आप इमिशन कर रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में, वो जो इमिशन होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 2 kg CO2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। आप नहीं समझे, दोबारा समझा देता हूँ। सपोज आप 1 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 1 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में ना आप 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा इमिशन नहीं करोगे। अगर आप 2 kg CO2
से ज़्यादा इमिशन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने वो जो हाइड्रोजन पैदा करी है ना, वो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के दायरे में आ जाएगी, यानी कि उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो अब आप बात समझ गए, तो यही डेफिनेशन है ग्रीन हाइड्रोजन की अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ ये सारी चीज़ें थी, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिस से ग्रीन हाइड्रोजन निकाल लो या बायो बेस्ड मेथड से आप ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, दोनों के लिए ये स्टैंडर्ड कवर होगा। समझ गए बात को। अब जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको कौन मॉनिटर करेगा? तो इसको मॉनिटर करेगा कौन? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखेगा कि भाई आप ग्रीन हाइड्रोजन को सही से, जो आपकी जो प्रोसेस है, वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई देगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब थोड़ा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था जो 2001 में आया था, उसके तहत इस बॉडी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, और 2002 में इस बॉडी को फिर इस्टेब्लिश किया गया था अंडर इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। तो यानी कि जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, इट इज़ ए स्टैचूटरी बॉडी। किसको कहा जाता है? जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हो, और यहाँ पे पार्लियामेंट एक्ट क्या था? इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिए, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आई होप इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। नाउ हमारे पास जो अगला ये न्यूज़ है वो है कि ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी। देखिए अभी क्या हुआ ना, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑफशोर ड्रिलिंग को अलाउ कर दिया है नॉर्थ सी में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं ऑफशोर क्या होता है, ऑनशोर क्या होता है। देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ऑफशोर, आपने ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड के बारे में सुना है। ऑफशोर विंड मतलब जो लैंड से सी की तरफ, ऑफशोर विंड का मतलब क्या होता है कि जो लैंड से सी की तरफ जो विंड जा रही है उसे ऑफशोर विंड कहेंगे। वहीं अगर ऑनशोर विंड कहेंगे तो जो सी से लैंड की तरफ आ रही है उसे ऑनशोर विंड कहेंगे। वहीं अगर ऑफशोर ड्रिलिंग की बात करें, ऑफशोर मतलब शोर से, जो शोर है मतलब, शोर का मतलब जो किनारा है, ठीक है, सी का जो किनारा है उससे दूर जाके जब हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड ऑफशोर ड्रिलिंग। वैसे ही आपने ऑफशोर विंड की बात करी होगी जब आप विंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है यहाँ पे नॉर्थ सी का एरिया, और यहाँ नॉर्थ सी के एरिया पे क्या हुआ है कि ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे जो ऋषि सुनाक जी हैं इन्होंने अनुमति दे दी है। अब यहाँ पे क्यों यहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे क्लाइमेट जो कंजर्विस्ट हैं या जो क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा आगे अपना कदम बढ़ाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो ये ऑफ सी ड्रिलिंग कर रहे हो आप नॉर्थ सी में, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वरिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मरीन जो लाइफ है या अदर बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आपको ये एक ओवरव्यू दिया, और इसलिए भी यहाँ पे मैंने ये न्यूज़ रखी है ताकि आप नॉर्थ सी की थोड़ा सा लोकेशन भी देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्थ सी है, यहाँ पे देखेंगे स्कॉटलैंड हो गया, यूके हो गया, ऊपर नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, इधर नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, तो इनके बीच में ये यहाँ पे आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे स्ट्रेट ऑफ डोवर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंग्लिश चैनल को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नॉर्थ सी का जो आपने एरिया है उसको भी अच्छे से देख लिया होगा। अब देखो एक तरफ तो क्या है ना कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करने के लिए तैयार हैं कि उनको क्या चाहिए, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ अगर एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाऊँ ना, डैट इज़ द इक्वाडोर की अगर मैं न्यूज़ दिखाऊँ ना, तो इक्वाडोर के जो लोग हैं ना, उन्होंने ऑयल ड्रिलिंग को अमेजन फॉरेस्ट में जो होने वाली थी उसको मना कर दिया है। यानी कि एक तरह आप देखेंगे ना, जो डेवलप कंट्री हैं वो इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं रख रही हैं और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिंपल देख रही हैं। वहीं अगर हम जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स को ज़्यादा देख रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है, इसीलिए डेवलप कंट्री डेवलप्ड होती जा रही है, इसीलिए इन पर ऑब्लिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप कंजर्वेशन एफर्ट कीजिए, फाइनेंस दीजिए लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को,
सो डैट वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। अब बात यहाँ पे क्या है ना, जो इक्वाडोरियन रीजन है वो अभी मैप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेजन फॉरेस्ट का मैप भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बट मैं पहले न्यूज़ बता देता हूँ आपको। न्यूज़ ये है कि देखिए जो इक्वाडोरियन हैं उन्होंने यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑयल ड्रिलिंग हो रही थी। वो ऑयल ड्रिलिंग कहाँ हो रही थी, एक एक्सप्लोरेशन हो रहा था ब्लॉक 44 जो कि सिचुएटेड है यूसनी नेशनल पार्क में। देखिए जो यूसनी नेशनल पार्क है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो कि अमेजन फॉरेस्ट के अंदर आता है ये यूसनी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसी यूसनी जो बायोस्फीयर रिजर्व था इसी के अंदर एक ब्लॉक था, उसके अंदर ऑयल ड्रिलिंग हो रही थी जिसके लिए इक्वाडोरियन लोगों ने मना कर दिया है ना। यहाँ पे अब मैं इक्वाडोर की आपको पहले तो लोकेशन बता देता हूँ। जो ये लोकेशन है ये इक्वाडोर की, ये आप सभी को पता है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसका एक कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वाडोर है ये, ठीक है। और ये जो इक्वाडोर है यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैसिफिक ओशियन से मिलता हुआ है, मतलब ये लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आप नीचे से आप यहाँ पे देखोगे ये पेरू है, ऊपर यहाँ पे कोलंबिया देखने को मिल जाएगा, इधर वेनेजुएला देखने को मिल जाएगा, यहाँ गुयाना, यहाँ पे ब्राज़ील देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना। यहाँ पे अब मैं अमेजन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि अमेजन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ अपने फैले हुए हैं। तो अमेजन फॉरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए जो अमेजन फॉरेस्ट है ना, ये देखिए ये पूरा जो अमेजन फॉरेस्ट का जो एरिया है, ये पूरा अमेजन फॉरेस्ट का एरिया है, हल्का हल्का ये इधर तक जाता है। अब ये देखिए ये पूरा अमेजन फॉरेस्ट है, इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है कि जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, इसलिए लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अमेजन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। देखिए इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे वेनेजुएला हो गया, ये इस सारी जगह पे ये अमेजन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। तो आई होप आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी, इक्वाडोर क्यों न्यूज़ में था, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में आपने देख दिया है, इक्वाडोर की जो लोकेशन है वो सारी चीज़ें आपने देख दी है। इक्वाडोर में गैलिपोज आइलैंड भी है जो पैसिफिक ओशियन में, वो भी इक्वाडोर का है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो जब आप इक्वाडोर की लोकेशन को देखोगे या इक्वाडोर की कंट्रीज़ को देखोगे ना। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया आसियान के बारे में है, और वो इंडियन आसियान के बारे में क्यों है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ। अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है आसियान और इंडिया में जो कि किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, ना कि सर्विस से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है ना कि जो इंडियाज़ की कंट्री है, सॉरी जो इंडिया कंट्री है और जो आसियान की जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके बीच में जो कि 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और बेसिकली इसमें कहा गया था कि भाई देखिए जो अबाउट 76% ऑफ द गुड्स होंगे ना उसमें जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जाएगा, सो डैट जो गुड्स हैं वो आसानी से एक कंट्री से हमारी कंट्री से इंडिया की कंट्री से आसियान कंट्रीज में चले जाएं। बट अभी क्या हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा जो बात है, मतलब जो अभी देखने की वाली बात है वो है एसिमेट्री की। एसिमेट्री इन द सेंस ये है कि देखिए क्या हो रहा है ना, आसियान कंट्रीज से इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, बट हमारा जो एक्सपोर्ट है ना आसियान कंट्रीज़ में वो कम है एज़ कम्पेयर टू जितना होना चाहिए था। तो वही एसिमेट्री की यहाँ पर बात की गई है ना। अब ये देखा जा रहा है, अब देखिए ये जो बात करी मैंने आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2009 में। अब इसी की बात यहाँ पे चर्चा की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोला गया है कि भाई जो ये असिमिट्री है ना फ्री ट्रेड पैक्ट फॉर जो गुड्स है, इसको हम रिव्यू कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द 2025, मतलब 2025 तक एक गोल पोस्ट रखा है कि भाई इस 2025 तक हम क्या करेंगे कि ये जो एसिमेट्री है या जितने भी इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, वो जो रिव्यू करने लायक है, इनको हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2025। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये वाली जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ये साइन किया गया था 2009 में, आप सभी को पता है। ये चीज़ें न्यूज़ में क्यों आई है, ये न्यूज़ में इसलिए आई है ना क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्ट्री मीटिंग होने वाली है, आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है जो कि इंडोनेशिया में होने वाली है। तो उसी मीटिंग में इस चीज़ की चर्चा की जाएगी। तो आई होप आपको जो न्यूज़ है वो अच्छे से
कवर कर दी मैंने और आप चीज़ों को बिल्कुल भी समझ गए होंगे। तो ये बता दिया मैंने 2009 में साइन की गई थी, 2010 में इफेक्ट में आई ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि सिर्फ किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ यहाँ पे आसियान के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसियान एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, थाईलैंड में। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जो 10 मेंबर स्टेट्स का है। अभी उस 10 मेंबर स्टेट्स के बारे में देखेंगे। इसका जो मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी का विजन है। अब कौन कौन से देश आ रहे हैं इसमें, तो पहले ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया की ये लोकेशन है। सबसे पहले इसमें देखिए ऊपर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया और फिलीपींस हो गया। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए आसियान के बारे में। अभी और चीज़ें देखते हैं कि इंडिया और आसियान की क्या रिलेशन है। देखिए जो इंडियाज रिलेशन विद आसियान की पिलर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी का जो ये हमारे आसियान और इंडिया के जो रिलेशन है वो की फॉरेन पॉलिसी है हमारी, मतलब किसके लिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। देखिए पहले हमारे पास लुक एट पॉलिसी थी, ठीक है, बट आफ्टर 2015 हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि हमें सिर्फ देखना नहीं है, एक्ट करना है कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके अलावा देखिए कौन कौन से कॉपरेशन, जो इंडिया और जो आसियान का जो ट्रेड होता है वो लगभग 10.6% ऑफ इंडियाज ओवरऑल ट्रेड होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें सोशियो कल्चर कॉपरेशन होता है, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल होती है जो कि सेटअप की गई थी 2003 में। इसके अलावा दिल्ली डेक्लेरेशन होता है, दिल्ली डेक्लेरेशन में जो कॉपरेशन है हमारा वो मैरीटाइम डोमेन में होगा। उसके अलावा दिल्ली डायलॉग है, इसमें क्या होता है, एनुअल 1.5 इवेंट ट्रैक डिप्लोमेसी होती है जो कि रिलेटेड होती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बिजनेस से। अब देखिए 1.5 इवेंट ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है, इसमें क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल प्लस गवर्नमेंट के जो लीडिंग जो मिनिस्टर होते हैं वो दोनों मिलके उस पर्टिकुलर डायलॉग में भाग लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। देखिए आसियान आप सभी को पता है इन द मिडिल ऑफ इंडो पैसिफिक पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन है किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, जिसे हम सागर इनिशिएटिव कहते हैं, इस चीज़ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ आसियान का सिग्निफिकेंस फिर से देखते हैं एक बार दोबारा से, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटी जो कि इम्प्रूव करेगा आसियान के साथ हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना वो सेंटर है, ठीक है, किसका, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का आसियान के साथ, क्योंकि अगर हम आसियान के साथ अगर कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट के जरिए बहुत आसानी से लैंड से हो सकती है, जो जिससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना वो नॉर्थ ईस्ट रीजन की वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा देखिए सबसे आप सभी को पता है कि एक होता है गोल्डन क्रिसेंट और एक होता है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन जो ट्रायंगल है ना वो भी क्या, गोल्डन ट्रायंगल मतलब जैसे लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से स्मगलिंग होती है इंडिया के अंदर बहुत सारे इलीगल प्रोडक्ट्स की, तो उन चीज़ों को भी हमें कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोलोब्रेशन विद आसियान नेशन इन नेसेसरी टू काउंटर इंसिडेंट्स, जो इंसर्जेंसी हो रही म्यांमार वगैरह से नॉर्थ ईस्ट में, या टेररिज्म को कम करने के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं वो आसियान के साथ मिलके हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन, अगेन मैंने ये कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर इंडिया आसियान के साथ अच्छे से संबंध बनाता है तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम अचीव कर पाएंगे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर हमारा इंडिया का आसियान कंट्रीज के साथ अगर अच्छे से रिलेशन होंगे, वहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ेगा, तो हम चाइना की जो प्रेजेंस है ना इंडो पैसिफिक में या साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, उसको भी क्या कर सकते हैं, हम काउंटर कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लास्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है मणिपुर के रिलेटेड। आप सभी को पता है मणिपुर कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे इथिकल वायलेंस की वजह से न्यूज़ में है। सो नाउ यहाँ पे ऐसी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने मणिपुर में एक मणिपुर के लिए एक कमेटी बनाई है अंडर द जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। इस कमेटी के लिए क्या हुआ कि अभी देखिए बहुत सारी आगजनी भी है
एथिकल वायलेंस हुआ है, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसमें क्या हुआ ना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, टेंथ की सर्टिफिकेट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो लॉस हो गए हैं। तो इन्हीं जो लॉस जो डॉक्यूमेंट है उनको दोबारा से बनाने के लिए या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ों के जो चार्ज है देखने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जस्टिस गीता मित्तल कमेटी बनाई गई है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे, बस आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई है, आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा आपकी ये सारी चीज़ें। तो आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, आप बिल्कुल ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये भी मुझे ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद दोस्तों।